नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ एयर ब्लीडिंग ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम। जो डिस्क ब्रेक रहते हैं उसके अंदर से एयर बबल को किस तरीके से निकालते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर रहती है, जो उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से काम करोगे बाइक के ऊपर, डिस्क ब्रेक के ऊपर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसके क्या क्या सिक्वेंस रहते हैं, क्या क्या तरीके रहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर एयर ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रंट हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, फर्स्ट टॉप अप द मास्टर सिलेंडर विथ हाइड्रोलिक ओर। यदि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बाइक रहती है जो डिस्क ब्रेक का सबसे ऊपर रहता है उसके अंदर जो मास्टर सिलेंडर लगा रहता है उसके अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है उसको पहले फिलअप करूँ। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, ऑपरेट द ब्रेक लीवर स्लोली इन ऑर्डर टू गेट फिटेड ऑयल इन द सर्किट, और इसके बाद धीरे धीरे उसको दबाओ। दबाने पे क्या रहता है, उसके अंदर जितना सारा ऑयल रहता है वो पूरे सर्किट के अंदर चला जाता है। जैसे ही मास्टर सिलेंडर का ऑयल कम हुआ, आप फिर मास्टर सिलेंडर को और टॉप अप करो, फिर इस तरीके से आप उसको प्रेशर देते रहो। जैसे तो आपको थोड़ा सा प्रेशर लगने लग जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, ऑपरेट द ब्रेक लीवर एंड कीपिंग प्रेशर पोजिशन लूजिंग द ब्लेडर स्क्रू। जो सबसे नीचे डिस्क ब्रेक के पास में एक ब्लेडर स्क्रू रहता है उसको आपको ओपन करना है, और एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब रहती है उसको उसके अंदर लगाना है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगाने से उसमें बबल्स पता चल जाएंगे, फिर उस ट्यूब को आप किसी भी कप में रख दो तो जो ऑयल निकलता है उसके अंदर इकट्ठा होता है। अब आपको वापस इस तरीके से ब्रेक पेडल लीवर को दबाते रहना तो जितना भी सारा एयर बबल्स रहेगा वो आराम से निकलता हुआ चला जाएगा, और फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होने लग जाएगा। जैसे प्रेशर जनरेट होने लग जाएगा और उसके अंदर का जो एयर रहती है वो बबल्स के ऊपर निकल जाएगी, यदि धीरे धीरे थोड़ा ऑयल भी आने लग जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि इसकी एयर निकल चुकी है। अब फिर उसको टाइट करने के बाद मास्टर सिलेंडर को देखना है कि उसके अंदर कितना ऑयल का लेवल रह गया है। यदि कम है उसको टॉप अप करो, और मैक्सिमम और मिनिमम लेवल रहता है आपको उसके बीच में ही आपको रखना है। इस तरीके से एयर ब्लीडिंग हो जाएगी डिस्क ब्रेक की, कोई सा भी डिस्क ब्रेक हो इस तरीके से एयर ब्लीडिंग होती है। तो आप इस तरीके से काम करोगे, समझदारी पूर्वक काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।